भारतीय टीम ने कोलंबो में पहले वनडे में श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ उसने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। श्रीलंका ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 262 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारत ने 36 ओवर में 3 विकेट खोकर ही लक्ष्य हासिल कर लिया। धवन ने सबसे ज्यादा 86 रन बनाए और जीत दिलाकर नाबाद लौटे। धवन के अलावा ईशान किशन ने 59 रन बनाए और 42 गेंदों का सामना किया। इसके अलावा पृथ्वी शॉ ने ताबड़तोड़ अंदाज में 24 गेंदों पर 43 रन बनाए और टीम इंडिया को एक तेज शुरुआत दिलाई। 263 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने ताबड़तोड़ अंदाज में तेज शुरुआत की और पहले विकेट के लिए 58 रन जोड़ दिए। टीम इंडिया ने पहले पावर प्ले में 91 रन बनाए। टीम इंडिया की ओर से शिखर धवन ने सबसे ज्यादा 86 रन बनाए और 95 गेंदों का सामना किया। वहीं पृथ्वी शॉ ने 24 गेंदों पर 43 रनों की तेज पारी खेली। 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए अपना पहला मैच खेल रहे ईशान किशन ने 42 गेंदों पर 59 रन बनाए। ईशान किशन ने अपना खाता छक्के के साथ खोला। 4th नंबर पर बल्लेबाजी करने आए मनीष पांडे ने 26 रन बनाए, लेकिन वो धनंजय डिसिल्वा की गेंद का शिकार बने। सूर्य कुमार यादव 31 रन बनाकर नाबाद लौटे। कुल मिलाकर श्रीलंका की यह कमजोर गेंदबाजी भारत के मजबूत बैटिंग लाइनअप के सामने कमजोर पड़ गई।